हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत इंस्टीट्यूट में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बीएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की बुक स्टार्ट करेंगे। और इसमें आपके बीएससी की कितनी बुक होती हैं आपकी, यानी कि बीएससी में आपकी तीन बुक होती हैं, पहला और दूसरा और तीसरा, ठीक है। तो हम पार्ट स्टार्ट करेंगे, पहला पार्ट यानी पहली बुक हम स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है आपका एलजेब्रा एंड ट्रिकोनोमेट्री। एलजेब्रा का जो फंक्शन है हम वो बाद में स्टार्ट करेंगे, पहले ट्रिकोनोमेट्री हम ख़त्म करा देंगे, ठीक है। दो चार दिन में ये खत्म हो जाएगी, इसीलिए हमने क्या लिया है, पहले ट्रिकोनोमेट्री लिया है, ठीक है। अब ट्रिकोनोमेट्री में भी कई सारे टॉपिक हैं, आपके चार पाँच टॉपिक हैं, तो उसमें हमने पहला जो चैप्टर लिया ट्रिकोनोमेट्री का वो लिया है कॉम्प्लेक्स नंबर। आज हम इस वीडियो में आपका समझेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर होते क्या हैं, ट्रिकोनोमेट्री के बेसिक फॉर्मूलाज, और इसकी जो एक एक्सरसाइज है उसके जो कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं चार पांच, तो वो हम आज इस वीडियो में उन सारे एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और बहुत ही प्यार से इसका बेसिक फॉर्मूला समझेंगे और फॉर्मूला को किस तरीके से हम यूज करते हैं ये सब जानेंगे हम इस वीडियो में, ठीक है। तो तैतीस पर है कॉम्प्लेक्स नंबर, ये आपका दिखाई दे रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर, ये हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम जनरल फार्मूला लिख ले रहे हैं आपके, जो आपके फॉरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं और जो आपके मोस्टली लगते रहते हैं, तो ये आपको फार्मूले पता होने चाहिए त्रिकोणमित्री के, ठीक है। तो त्रिकोणमित्री के कौन कौन से फार्मूले देख लीजिएगा, आप पहले आपका साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बटे टू, आपका टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई बटे टू होता है, और आपका सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स बराबर भी आपका पाई बटे टू होता है। ये मोस्टली लगता रहता है क्वेश्चन में, जो आपके जो पेपर में लगेंगे मैं केवल उतने ही फॉर्मूले लिखवाऊंगा, ज़्यादा आपके फॉर्मूले लिखवाने से अपना और आपका टाइम खराब नहीं करूँगा, ठीक है। जो आपके पेपर पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी चीज़ छोटी सी भी, यदि पेपर के हिसाब से कोई चीज़ 1% भी मेरे को इंपॉर्टेंट लगेगी तो उसे भी कराऊंगा, और जो पेपर के हिसाब से मेरे को इंपॉर्टेंट नहीं लगे मैं उसको बिल्कुल भी नहीं कराऊंगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपका और मेरा दोनों का टाइम खराब होगा, क्यों, क्योंकि आपको यदि ऐसे मेरे को कोई आपको पैसा लेके आपके महीना पूरे थोड़े नहीं करने हैं, मेरे को तो आपको अच्छी से अच्छी नॉलेज देनी है, ठीक है, कम समय में। तो उसके लिए आपको और वीडियो को पूरा देखना, ठीक है। तो देखिएगा ये हो गए, और इसके बाद में कुछ और इंपॉर्टेंट फॉर्मूले क्या है आपका, ये है आपका टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर क्या होता है, टेन इनवर्स आपका एक्स प्लस वाई वन माइनस एक्स वाई, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब ऐसे ही यहाँ से दूसरा बन जाएगा आपका टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई बराबर टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई, ये हो गया, ठीक है। और आपका जो फॉर्मूला है टू टेन इनवर्स एक्स का, मैं आप लिख दे रहा हूँ टू टेन इनवर्स एक्स का जो फॉर्मूला है आपका टेन इनवर्स टू एक्स बटे कितना है आपका वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और इसमें और कोई ज़्यादा खास इम्पोर्टेंट फॉर्मूला नहीं लग रहा है मेरे को, हाँ एक और है कॉट इनवर्स वाले की कोई आवश्यकता नहीं है, जब लगेगा तब की तब हम लिख दिखवा देंगे, ठीक है ना। तो यही आपके फॉर्मूला है, और एक और खास बात है आपका, अब सीधे सीधे आगे बढ़ते हैं आपका कॉम्प्लेक्स नंबर की ओर, और बाकी ये जो साइन की कॉस की और टेन की जो प्रिंसिपल वैल्यूज हैं ये भी आपको लिख लेनी है, ठीक है ना। तो वो आप पुराना देख लेना, यदि आवश्यकता पड़ेगी तो मैं जैसे ही कोई भी क्वेश्चन में आएगा तो वहाँ पे मैं लिखवा दूंगा आपको, मेरे हिसाब से वैसे यही फॉर्मूले हैं, और जो भी फॉर्मूला आता रहेगा मैं उसको लिखवाता रहूँगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर आगे बढ़ता हूँ मैं, ठीक है। तो अब जो मैं आपको कराऊंगा कॉम्प्लेक्स नंबर, जो हमारा जैसे कि आपने टॉपिक लिखा है हमने कॉम्प्लेक्स नंबर, तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है इसको समझते हुए, नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर को समझते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन समझते हैं, ठीक है। तो आपका ये कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन क्या कैसे लिख देंगे, देखिएगा ए नंबर एन यू एम बी आर नंबर ऑफ द फॉर्म ऑफ एक्स प्लस आई वाई वेयर एक्स एंड वाई बोथ आर रियल नंबर्स वो था रियल नंबर्स एंड आई इज इक्वल टू माइनस आई,
ठीक है। तो ये फॉर्म क्या कहलाती है आपकी, यानी कि ये जो फॉर्म दिखाई दे रही है यही आपकी क्या कहलाती है, कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाती है। इसको डिनोटेड किससे करते हैं, इट्स डिनोटेड बाई जेड। यूजली हम जेड से डिनोटेड करते हैं, जेड बराबर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस आई वाई, या और आप करके ऐसे भी लिख सकते हो जेड बराबर एक्स कॉमा वाई। तो इसका मतलब भी यही है, कभी जहाँ कहीं पे भी आपका ये लिखा हुआ है जेड बराबर, तो ये समझ जाना है कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म क्या है, ये है, ठीक है। वेयर जहाँ पर एक्स और वाई दोनों ही क्या है, आपके रियल नंबर हैं, और इसमें जो आई होता है, सॉरी ये यहाँ पे वन है, माइनस वन होता है यहाँ पर, ठीक है। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, माइनस वन का अंडर रूट, ठीक है। तो आपका दिखाई दे रहा है कि ये आई क्या है, आपका इमेजिनरी पार्ट कहलाता है, यानी इसको आयोटा बोलते हैं। इसका वैल्यू कितनी होती है, माइनस ए। तो ये जिस समीकरण में लगा होता है, तो ये आपका यदि हम इसकी कंपेयर करें, तो इसमें ये वाला जो पार्ट है ये रियल पार्ट होगा, और ये रियल पार्ट होगा, और ये आपका इमेजिनरी पार्ट होगा, ठीक है ना। ये काल्पनिक मान और वास्तविक मान आपने इंटर में भी करे होंगे, 11वीं क्लास में भी करे होंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, सम्मिश्र संख्याएं, ठीक है। तो ये क्लियर होगी बात, ठीक है। तो यानी कि डेफिनेशन क्या बनेगी, ए नंबर ऑफ द फॉर्म ऑफ एक्स प्लस आई वाई, वेयर एक्स एंड वाई बोथ आर रियल नंबर्स एंड आई इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस वन, इट्स कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स डिनोटेड बाई जेड। तो जेड बराबर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस आई वाई, यही आपका कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आई की जो वैल्यू की, हम बात कर लेते हैं आई की वैल्यू कितनी, यहाँ पे बताइए माइनस वन। यदि हम इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, और स्क्वायर से क्या हो जाएगा, अंडर रूट आपका खत्म हो जाएगा, अंडर रूट खत्म हो जाएगा तो कितना दिखाई देगा आपका, माइनस वन। तो यदि आई स्क्वायर आ जाए तो आपको क्या लगाना है, माइनस वन लगाना है। यदि आई की पावर चार आ जाए तो आपको क्या लगाना है, इसका भी स्क्वायर कर दो तो ये प्लस का वन हो जाएगा, तो ये आपकी वैल्यू आ गई। और यदि आई की पावर थ्री आ जाए तो फिर क्या लिखोगे, आई की पावर थ्री को आप कैसे कह सकते हो, आई इंटू आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, माइनस वन होती है, तो यानी कि माइनस आई आ गया, तो आई की पावर थ्री का मान इतना हो गया। ये वैल्यू आपको पता है तो आने वाले सभी सवालों में आप लगा सकते हो, ठीक है ना। तो ये बातें आपको ध्यान होनी चाहिए कि आई स्क्वायर का मान माइनस वन, आई की घात चार का मान प्लस वन, और आई की घात तीन का मान माइनस आई, राइट। और ये आई का मान, ये कहाँ से वैल्यू आई है, ये इस मान से आपकी आई है, ठीक है। आपको याद नहीं रहे तो इस बात को आप लिख लेना, इससे आपके सारे मान बच जाएंगे, ठीक है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, ये कॉम्प्लेक्स नंबर खत्म हुआ। अब कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद में आ जाता है कि कॉन्जुगेट क्या होता है, कॉन्जुगेट, ठीक है। तो देखिएगा, अब समझते हैं कॉन्जुगेट क्या होता है, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो हम लिखेंगे इफ जेड बराबर एक्स प्लस आई वाई इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, सी एन का मतलब समझ जाना, इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, देन द कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स माइनस आई वाई इज कॉल्ड कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर जेड, ठीक है ना। ये सी एन का मतलब समझ लें, कॉम्प्लेक्स नंबर, ये वाली बात लिखनी है, लंबी हो जाती है प्रवास, इसलिए जल्दी से शॉर्ट में समझ जाइएगा, ठीक है। तो यानी कि कोई भी जेड बराबर कोई भी दे रखा है एक्स प्लस आई वाई इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, देन द कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स माइनस आई वाई, यानी इसका साइन बदल दिया हमने, तो यही क्या कहलाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट कहलाएगा, ठीक है। और कॉन्जुगेट का इसको डिनोट किससे करेंगे, जेड बार से, एंड इट्स डिनोटेड बाई जेड बार। यानी कि कहने का मतलब ये हो गया, कोई भी आपका प्लस में दे रखा है तो उसका आप साइन बदल दोगे केवल और केवल, तो यही आपका क्या कहलाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या कहलाएगा, आपका कॉन्जुगेट कहलाएगा, राइट। समझ में आ गई बात। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट होता है। अब ये इसके और बहुत सारे इसके क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज होती हैं, जो आपके सवाल में आएगा उस तरीके से हम बताते रहेंगे साथ में। जैसे कि आपका ये अलग अलग दे रखा है, दोनों का ये दे रखा है, तो आप लिख सकते हो जेड वन जेड टू का दोनों का कॉन्जुगेट इस तरीके से, प्लस में दे रखा प्लस में, ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपको मैं समझाता रहूँगा साथ ही साथ, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर कॉन्जुगेट हो गया, और आगे का टॉपिक लेते हैं अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर। तो क्या आ गई, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए पोलर फॉर्म क्या होती है, यानी कोई भी नंबर आपका जेड बराबर एक्स प्लस आई वाई दे रखा है, यानी जेड कोई आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसकी ही पोलर फॉर्म क्या होती है, यानी कि एक्स प्लस आई वाई की जो पोलर फॉर्म होती है आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होती है। यदि हम इसकी कंपेयर का अंदर जाकर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई वाई बराबर आर कॉस थीटा प्लस
आई आर साइन थीटा, मैंने आर के अंदर मल्टीप्लाई कर दी। तो देखिएगा ये जो फॉर्म है ये आपकी, ये जो है आपकी पोलर फॉर्म कहलाती है, किसकी, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म कहलाती है। यदि मैं इसकी कॉम्प्लेक्स की यानी कि इसका जो उसकी बात करूं, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करूं या स्क्वायर की बात करूं, तो हम इसको किस तरीके से निकालेंगे, देखो कंपेयर करो रियल नंबर की यानी कि कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड, कंपेयरिंग ऑन, हमने ये बहुत साइड कंपेयरिंग करेंगे तो देखना इधर रियल नंबर क्या है, एक्स है, इधर रियल नंबर क्या है, ये है। तो इधर आर कॉस थीटा हो गया रियल पार्ट, इधर रियल पार्ट कितना है, एक्स है। तो इसका आर बराबर क्या हो जाएगा आपका, चलो इतना रखिएगा, इसको एक मान लीजिए समीकरण। इधर क्या आई का गुणांक इधर कितना है, आर साइन थीटा है, और इधर आई का गुणांक कितना है, वाई है। ये समीकरण दो हो गई। अब मैं क्या कर रहा हूँ, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड की स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स यानी दोनों का स्क्वेयर करके, यानी समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड का स्क्वेयर करके मैं जोड़ रहा हूँ, ठीक है। स्क्वेयरिंग फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड एंड एडिंग, तो देखिएगा तो आफ्टर एडिंग यानी स्क्वेयर करके दोनों को जोड़ने पर क्या हो जाएगा आपका, आर स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस आर स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा, इधर क्या हो जाएगा बराबर एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, ये जोड़ दिया। आर स्क्वेयर यहाँ से आप कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा बराबर एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। तो आर स्क्वेयर बराबर ये कितना हो जाएगा, ये वन हो जाएगा, क्योंकि कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा का मान कितना होता है, वन होता है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, तो ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वेयर बराबर एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, ये आ गया आपका मान। और यदि यहाँ से r का मान निकालोगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, दिस इज द मॉडुलस ऑफ r, ठीक है ना। तो ये आपका निकल जाएगा, ठीक है। और ये वैल्यू आप यहाँ पर रखोगे तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यदि यहाँ से हम बात निकालेंगे cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, x अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, और यदि मैं यहाँ से यहाँ पर रखूँगा तो sin थीटा बराबर क्या हो जाएगा, देखिएगा y बट्टे r हो जाएगा, और y बट्टे r की वैल्यू कितनी आई है, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। तो डायरेक्टली मैं इन फॉर्मूला में इनको पुट करके निकाल सकता हूँ, यदि सवाल आएंगे आप बिल्कुल समझ जाओ इसका मतलब क्या है, क्यों मैंने ये करा है, ठीक है ना। तो ये अगले वाले आने वाले सवाल से आप बिल्कुल समझ पाओगे, ठीक है ना। अभी फिलहाल के लिए आप यह ध्यान रखिएगा आर बराबर क्या होता है, अंडर रूट में एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, ठीक है। ये वैल्यू आप आगे समझोगे कि इनका यूज क्या है, ठीक है। यदि हम यहाँ पे कोई ऐसी वैल्यू रख दें जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, यानी थीटा की कोई ऐसी वैल्यू जो इन इक्वेशनों को सेटिस्फाई कर दे, तो वो जो थीटा की वैल्यू है वो कहलाएगी आपकी आर्गुमेंट, ठीक है ना। क्या कहलाएगी, आर्गुमेंट, या और कहलाएगी आपका एम्पलीट्यूड, क्या एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो कहीं पर लिखा होगा ए आर जी, ठीक है। तो मतलब अर्ग जो लिखा होता है उसका मतलब क्या होता है, आर्गुमेंट। ये क्या होता है, यानी कि इस इक्वेशन को जो भी थीटा की वैल्यू सेटिस्फाई करेगी उसे आर्गुमेंट बोलेंगे। सवाल में आपका पूछ लेता है फाइंड द आर्गुमेंट, ठीक है। तो मतलब क्या है, आपको थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है ना। तो आप समझ जाओगे ना थीटा की वैल्यू का, तो ये चीज़ आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब सीधे सीधे अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, जो भी मैंने अब तक समझाया है उसका आप यूज क्या कर सकते हो, उसकी एप्लीकेशन क्या है। तो आपका इसका इस किताब का आपका पेज नंबर आप पहुँचोगे पेज नंबर 342 पर, आपका पहला एग्जांपल मैं करा रहा हूँ, फाइंड द रियल नंबर ए एंड बी, और ए बी बराबर कुछ दे रखा है। पहला एग्जांपल दे रखा है आपका पेज नंबर 342 पर दे रखा है, ये फाइंड द रियल नंबर ए एंड बी इफ ए बी बराबर, ये दे रखा है, यानी कि आपको ए और बी के रियल वैल्यू आपको फाइंड करना है, रियल नंबर ए और बी की वैल्यूज आपको फाइंड करनी है। यदि ए बी बराबर क्या, तो क्या क्या गिवन है, गिवन क्या है आपको, देखिए बहुत ही प्यार से इसको कर लोगे आप, ठीक है। आई बी बराबर क्या है, 3-2i अपॉन 7+4i। हम क्या करते हैं, हम इसके नीचे वाले जो आपका जो दे रखा है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो इसमें से जो आपका इसका विपरीत चिन्ह, यानी प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, इसका कॉन्जुगेट की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं हम। कोई इफेक्ट पड़ेगा, बिल्कुल भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारा सवाल सॉल्व हो जाएगा, यानी इससे तो ये कट जाएगा, तो इस संख्या पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन अब हमारा सवाल सॉल्व हो जाएगा। देखिए कैसे, देखिए नीचे का a प्लस बी ए माइनस बी, ये एक फॉर्मूला बन गया। क्या होता है कि a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल किस क्या होता है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो देखिए a का स्क्वेयर यानी कि 7 का स्क्वेयर
माइनस बी यानी कि 4i का स्क्वायर, नीचे तो ये हो गया यानी a प्लस बी ए माइनस बी, ऊपर की मल्टीप्लाई करिएगा, देखो ये अपना एक ब्रैकेट है ये अपना एक ब्रैकेट है, तो तीन की मल्टीप्लाई करेंगे, तीन सत्ते 21, तीन की मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो माइनस 12i, दो की मल्टीप्लाई इसको करोगे तो माइनस 7 × 14i, ठीक है, इधर की मल्टीप्लाई करेंगे प्लस कितना हो जाएगा 2 × 2 = 8, 8 × 8 = 8i स्क्वायर, समझ पाए बातों को, ये इसकी मल्टीप्लाई कर दिए, ये अपने आप में क्या फॉर्मूले को हम नीचे लिख देंगे, 7 का स्क्वायर 9 = 49 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 16i स्क्वायर हो जाएगा, ये देखिएगा ये 21 माइनस और ये कितना हो जाएगा 14 है, 12 × 24, 24 × 25, 26 हो गया, ये 26i हो गया प्लस 8i स्क्वायर हो गया, समझ पाए बातों को। अब यहाँ से आपका क्या है कि आपने अभी जाना था कि आई स्क्वायर बराबर क्या होता है, माइनस वन होता है, ये मान अभी हमने सीखा था, तो ये वैल्यू यहाँ पर रख दीजिएगा तो क्या हो जाएगी, देखिए ये तो 21 है, ये माइनस के 26i है और ये प्लस के i इंटू माइनस वन, यानी कि आई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर माइनस वन, ऐसे ही नीचे माइनस कितना 16 इंटू आपका माइनस वन, तो ये कुछ इस तरीके की समीकरण दिखाई देगी आपको, 21 माइनस 26i और ये कितना हो जाएगा माइनस के 8, 49 प्लस 16, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, ठीक है, 21 में से 8 गए तो कितने बचेंगे, 21 में से आपके 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे आपके, बचेंगे आप 21 में से 20 में से 8 12 13 बचेंगे, यहाँ पर 13 बचे माइनस, ये कितना हो गया 26i हो गया और नीचे आपका कितना 49, 9 और 6 15 का 5 हासिल 1, 4 और 1 5 और 1 आपका 6 65 हो गया। अब इसको मैं क्या करता हूँ, आगे पीछे वो अलग अलग तोड़ देता हूँ, 65 माइनस 26 बटे 65i, ये हो गया आपका, तो देखिएगा ये कट रहा है तो काट दीजिए, ये कितना 5 बार कट गया, 13 × 26 = 63 × 5 = 65 और ये कितने बार कट जाएगा आपका 13 × 26 और 13 × 5 = 65, तो ये कुछ इस तरीके की समीकरण दिखाई दी आपको 2/5i, ठीक है, और ये क्या चल रहा था a प्लस आई बी बराबर चल रहा था, यहाँ से कंपेयर करोगे तो क्या हो जाएगा, a बराबर तो क्या रियल पार्ट कितना निकला है 1/5 निकला है और b बराबर देखना i का गुणांक यहाँ पे कितना है, यहाँ पे माइनस 2/5 है और इधर i का गुणांक कितना है b है, तो ये b की वैल्यू ये निकला है, तो ये दोनों के दोनों वैल्यू फाइंड होगी, यही आपका आंसर है, समझ पाए बातों को, दिखाई दे रहा है ना आपको, तो ये यहाँ से हमने कंपेयर कर दिया यानी कि a जो रियल पार्ट यहाँ पे, तो रियल पार्ट 1/5 है और b का गुणांक यहाँ पे i यानी कि जो इमेजिनरी पार्ट में जो b कांस्टेंट है वो b है और यहाँ पे कांस्टेंट क्या है आपका i को छोड़कर -2/5, ठीक है, तो आपको ये 2/5 नहीं -2/5, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, आई होप कि ये आप बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे, ठीक है, तो ये यदि समझ पाए हो तो आगे क्वेश्चन वाला एक और करते हैं, आपको दूसरा क्वेश्चन दिया है, दूसरा क्वेश्चन क्या है यानी एग्जांपल ही है आपका पेज नंबर 343 पर, दूसरा एग्जांपल है फाइंड द मॉडुलस एंड प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ 1+i, ठीक है, इसका डायरेक्ट भी निकाल सकते हो आप, वैसे भी निकाल सकते हो, क्यों, क्योंकि हमने बताया था मॉडुलस r बराबर क्या बताया था आपका, r की जो वैल्यू आई थी कितनी आई थी, वो जो आपका अभी हमने करी थी, चलो छोड़ो जो याद नहीं है कोई बात नहीं, आप यहाँ पर करिएगा, देखिएगा आपको गिवन क्या है, गिवन है आपका 1+i और इसकी जो पोलर फॉर्म होती है वो क्या होती है, हमने कंपेयर कर दी इसकी r cos थीटा प्लस i sin थीटा से, समझ भाई, यानी इसको हमने पोलर फॉर्म के बराबर रख दिया, ठीक है, तो यहाँ से कंपेयर करेंगे तो r की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो कितने हो जाएगा i r cos थीटा प्लस r सॉरी i को आगे लिख दीजिए r sin थीटा, अब यहाँ से कंपेयर करोगे तो यहाँ से क्या निकलेगा, कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम तुलना कर दीजिए तो यहाँ पर रियल पार्ट क्या है r cos थीटा, इधर क्या है 1 है, एक समीकरण मान लीजिए, यहाँ पर i का कोफिशिएंट कितना है r sin थीटा, यहाँ पर i के साथ में कितना है कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है, देखिएगा अब फिर से समझिएगा, यहाँ पे एक रियल पार्ट कितना है यानी कि r cos थीटा, इधर अकेला 1 है, आई के साथ में यहाँ पर क्या आ रहा है r cos थीटा, r sin थीटा आ रहा है और यहाँ पर क्या आ रहा है r i के साथ में कुछ नहीं दिखाई दे रहा तो 1। अब हम क्या करते हैं इसका स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, ठीक है, तो स्क्वेयर करके ऐड करने के लिए स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, ठीक है, तो क्या r स्क्वेयर cos स्क्वेयर थीटा प्लस r स्क्वेयर और sin स्क्वेयर थीटा, यानी इसका स्क्वेयर करा इसका स्क्वेयर करा ऐसे ही इधर, यानी दोनों
दोनों साइड्स का स्क्वायर करके हम इधर ऐड कर दिया, वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर। यहाँ से आप क्या कॉमन लेते हो, आर स्क्वायर, यहाँ से कॉमन ले लेते हो, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर, ये कितना हो जाएगा, ये आपका टू हो जाएगा, वन का स्क्वायर वन और ये कितना टू हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर वन, तो ये क्या बचेगा, आर आर स्क्वायर बचेगा, केवल आर स्क्वायर। ये इधर क्या आ गया, दो आ गया, तो आर बराबर क्या आ जाएगा, अंडर रूट में आपका दो आ जाएगा, ठीक है, आर बराबर ये आ गया, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है आप किस में रखिएगा, यहाँ से कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू निकालिएगा आप, ठीक है, कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, देखिएगा आपका आर बराबर क्या हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा वन अपॉन कॉस, सॉरी यहाँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब ऐसा करिएगा, यहाँ से आपका ये आर की वैल्यू निकालिए तो ये तो आपका क्या हो गया, मॉडुलस हो गया, मॉडुलस क्या हो गया, ये हो गया। अब आपको क्या है, आर्गुमेंट और निकालना है, ठीक है, आर की वैल्यू जैसे निकल आई तो मतलब ये क्या, यही आपका मॉडुलस होता है, ये क्या है आपका मॉडुलस, ये क्या निकल गया, ये क्या निकल गया आपका मॉडुलस, एक आंसर हो गया। अब आपको क्या चाहिए, प्रिंसिपल आर्गुमेंट यानी कि थीटा की वैल्यू चाहिए, थीटा की वैल्यू निकालने के लिए आपको ये दोनों समीकरण हैं, तो आप पहली समीकरण में दूसरे का डिवाइड कर दीजिए, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन डिवाइड बाय इक्वेशन सेकंड, तो क्या दिखाई देगा, आर साइन थीटा बट्टे आर कॉस थीटा, इधर क्या हो जाएगा आपका वन बट्टे वन, समझ भाई, आर साइन थीटा यानी वन और आर कॉस थीटा, ये क्यों किया, क्योंकि हम थीटा की वैल्यू निकाल देनी है, आर से आर कट गया और ये साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा क्या हो जाएगा आपका टेन थीटा हो जाएगा, और ये आपका वन हो जाएगा टेन थीटा। ये कितने की वैल्यू होती है, टेन वन, यानी कि वन टेन में कितने का मान होता है, यानी कि पाई बट्टे फोर, टेन पैंतालीस का मान वन होता है, टेन से टेन आपका कट जाएगा तो क्या बचेगा, थीटा बराबर आपका क्या आएगा पैंतालीस आएगा, यानी पाई बट्टे फोर, दिस इज द आपका प्रिंसिपल आर्गूमेंट, यानी कि ए आर जी अर्ग हो गया, तो यही आपके आंसर होंगे। हेयर क्या चीज आई है, आर्गूमेंट कितना आया है आपका, थीटा इज इक्वल टू पाई बट्टे फोर एंड मॉडुलस, मॉडुलस कितना है, अंडर रूट टू, दिस इज आवर आंसर, ठीक है ना, यही आपके आंसर है। तो आई होप कि ये आप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है, और आगे वाले सवालों को हम, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसीलिए अगली वाले वीडियो में कराएंगे, ठीक है। यदि आपने ये पूरी वीडियो देखी है तो मैं उम्मीद करूँगा कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आप जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो वीडियो ऐसी और चाहते हो, ठीक है, यदि समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, आप कमेंट करके बता सकते हो हमें समझ में नहीं आया, यदि समझ में आया है तो आप इसको, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। हमने अब व्हाट्सअप नंबर पे आप एक अपना नाम लिख के भेज सकते हो, क्योंकि हम उसमें एक बीएससी फर्स्ट ईयर के नाम से हमने व्हाट्सअप ग्रुप बनाया है, कल ही उसमें आपको ज्वाइन कर देंगे, जो भी आपको प्रॉब्लम्स होंगी वहाँ पर आप शेयर कर सकते हो, हम आपको उसका सॉल्यूशन दे सकते हैं, ठीक है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा, बस मेरी ये है कि आप बीएससी की जो स्टूडेंट है कम से कम आप 50 स्टूडेंट्स को हमसे जोड़ लीजिए, ठीक है, फिर हम लाइव क्लास दिया करेंगे तो आपके जितने भी डाउट हैं लाइव क्लास में क्लियर कर दिया करेंगे, कम से कम 50 स्टूडेंट तो आप हो ही जाएंगे।